प्रश्न पहला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर है सी, चार्ल्स बैबेज। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। आपका प्रश्न तीसरा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1946। प्रश्न चौथा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, संगणक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, 2 दिसंबर। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका प्रश्न आठवा है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्प फ्रॉम अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनमें से सभी इनपुट इकाई है। प्रश्न दसवा, 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। प्रश्न ग्यारहवा है, 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनते हैं? तो सिलिकॉन से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वभाव निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडा तरंग एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुंडा तरंग से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? तो इसका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा डी, अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CPU में ALU में होते हैं, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ALU। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसका राइट उत्तर होगा ए, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों बताओ? ऑप्शन नंबर बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों बताओ? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो कौन फंक्शन है दोस्तों बताओ? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन बुनियादी कार्य नहीं है बताओ दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है तो कौन करता है दोस्तों? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक है। अगला प्रश्न है, किसमें अधिकांश प्रोसेसिंग होती है दोस्तों बताओ? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंडर स्टैंडिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो किसके समन्वय से कार्य करती है? इसका राइट उत्तर होगा डी, सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा बी, माइक्रोचिप। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट होगा। इसका उत्तर आउटपुट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर है बी, सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा बी, प्रोसेस। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, सीपीयू का मुख्य घटक है? सीपीयू का मुख्य घटक है बताओ दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है सीपीयू के घटक है। प्रश्न नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता है? कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, सीमित होती है, ठीक है। और तीसरा है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो किस प्रकार की संज्ञा दी गई है दोस्तों? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। नेक्स्ट है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? बताओ दोस्तों, किसकी गति अधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, मानव मन की गति अधिक होती है। नेक्स्ट है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है बताओ दोस्तों? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो बताओ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? बताओ, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा बी, इनपुट। इनपुट होगा इसका राइट उत्तर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है बताओ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देन। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।